हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? उम्मीद करता हूँ अगली बार आवाज़ आ रही होगी, क्लियर ऑडिबल होगी। ठीक है, तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे ये है इंट्रोडक्शन क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में, इसकी क्या डेफिनेशन है, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं मैट्रिक्स और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज क्या है आपकी, जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, एनसीईआरटी से ही आप लोग भी पढ़ना, वैसे तो थ्योरी इतना पढ़ते नहीं है मैथ्स में, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता क्या है? द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स का जो एक मीनिंग है, आप सिंपल सी भाषा में समझ जाइए कि हमारे जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में लिखना ताकि उनकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, कैसे? ये पैराग्राफ इतना आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा थ्योरी है। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली मुद्दे पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है कि दो स्टूडेंट्स हैं, इसमें दो नहीं एक है, राधा। ठीक है, अभी तक तो राधा है, राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, उसके पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। इसी तरीके से फौजिया है, जिसके 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं, और फिर सिमरन है जिसके पास 13 नोटबुक और 5 पेन्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सा जो डेटा लगता है अभी तो इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर हमें इसे सिंपली सिंपल फॉर्म में लिखना होगा कि टेबुलर फॉर्म में विद ब्रैकेट्स। ठीक है, तो वही हमारा मैट्रिक्स का यूज़ होगा। कैसे? कि राधा के पास इतनी नोटबुक्स थी तो हमने नोटबुक्स का कॉलम अलग बना दिया, पेन्स का कॉलम अलग बना दिया, उसके नीचे नोटबुक के नीचे सारी नोटबुक लिख दी और पेन के नीचे सारी पेन लिख दिए। ठीक है, तो यही होता है हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, जो ये ब्रैकेट बना हुआ है इसी में ही हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमारी ये वाली जो ये हमारी रोज़ हैं 15, 6, 10, 2 और 13 और 5, और जो ऐसे जो बना हुआ ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, आप अच्छे से समझ लीजिएगा अभी कि हमारी ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हम यहीं पे देखें तो इसमें पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसमें हमारी मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं और रो कितनी है? 3 रो हैं, है ना? आगे बताऊंगा, और जिसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब तरीका जो था, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे हम, हमने क्या किया था, इसमें दो कॉलम में रिप्रेजेंट किया था। अब की बार हम इसे 3 कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। दो तरीके से हमने अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं मैट्रिक्स की, इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ द अबव काइंड, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर जो अरेंजमेंट किया वही हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। बेसिकली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है, नंबर्स ही नहीं बेसिकली फंक्शन भी हो सकता है। जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें हमारा इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर भी है और हमारा इरेशनल नंबर भी है। इसमें इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फिर रेशनल नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन एक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोसाइन या साइन फंक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, और हमारा टेन में भी हो सकता है या फिर क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमको डेटा जो है रिप्रेजेंट करना आना चाहिए टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और जैसे इनको एलिमेंट्स बोला जाता है, जैसे -2 को हमने यहाँ लिखा, 5 को ऐसे लिखा, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है। समझ में आया मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, बहुत ईजी है, रोज़ और कॉलम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मैं सिंपल भाषा में अगर समझाता हूँ तो मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ली, यहाँ मैंने 2 लिखा, 2, 2 और 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसे m क्रॉस n से करते हैं। m इज़ द नंबर ऑफ रोज, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आप जो है इस वाली मैट्रिक्स में रोज़ गिनिए, 1, 2, तो 2 रोज़ हो गए। दूसरी बार में कॉलम गिनिए, 1, 2, तो 2 कॉलम हो गए। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा मैं। देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है इसमें, इसी एग्जांपल में। अब इसका हमें अगर ऑर्डर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर, कि हमने 1, 3 और 1, 1 ये तो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर हम मैं पूछता हूँ तुमसे इसमें कि रोज़ कितनी है, क्योंकि जब एम क्रॉस एन यानी ऑर्डर लिखेंगे तो पहला हमारा हम रो को ही गिनेंगे, तो रो कितनी है इसमें, एक रो दो रो, यानी दो रो हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इसका ऑर्डर हो गया। मैं समझता हूँ कि अब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर वो हमारा एक्स क्यूब हो या इमेजिनरी फंक्शन हो, कोई रेशन नंबर हो, कोई भी हो सकता है, बस डेटा को हमें अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। इसमें वर्कर्स दे रखे हैं, मैन और वीमेन, और हमसे बोला गया है कि इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है 3x2 मैट्रिक्स है, मतलब कि 3 तो रो होनी चाहिए और हमारे 2 क्या होने चाहिए, कॉलम। ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहता है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 30, 25, 27 और 25, 31 और 26 को, तो हमारे क्या हो गए, 3 रोज़ हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब कि अगर मैंने बताया कि एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, हमने मैट्रिक्स ली यहाँ कि 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हमारे टोटल 4 एलिमेंट हो गए। अब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो 1x8 की भी हो सकती है, 8x1 की भी हो सकती है, 4x2 की भी हो सकती है और 2x4 की भी हो सकती है। ठीक है, आगे इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कि हमें अगर ऑर्डर पता हो। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे हम जब बताऊंगा सारी बेसिकली। अब हमें एग्जांपल नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हुआ मैट्रिक्स, ये चीज़ अभी आप खुद से करना। ठीक है, अभी मैं इसमें जो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा, इससे अगली वीडियो में ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमें मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमें एक फार्मूला दिया हो। वैसे बहुत ईजी है ये चीज़ समझना, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट में लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर मैंने लिखा कि 2, 3, 5, 6, इसमें सिर्फ आपको सिंगल कॉलम दिख रहा है और रो कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4x1 का इसमें ऑर्डर है मैट्रिक्स का और कॉलम हमारा सिंगल है यानी एक कॉलम होगा। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स में भी हमारी सिंगल रो होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 तो सिंपल सी मैट्रिक्स हो गई जिसमें क्या है, रो सिर्फ एक है लेकिन कॉलम 4 है। समझ में आया, और ऑर्डर को हमेशा यहाँ लिखना होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, मैंने मैट्रिक्स बनाई 1, 2, 3, 4, तो ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के नीचे लिखना है, कैसे, 1x4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर होंगे, तो आपके लिए समझना बहुत इजी है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 2, 2, 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं, दो ही रोज हैं दो ही कॉलम्स हैं, तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यहाँ जो एग्जांपल दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स का दे रखा है, इसमें देखिए कि तीन ही रोज़ हैं और तीन ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स क्या कहती है, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगनल इफ ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, अगर उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होंगे तो वो हमारी डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे, कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सिर्फ ये डायगनल है। ठीक है, तो डायगनल को छोड़ के
सारे के सारे आप एलिमेंट देखोगे वो सब जीरो हैं, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके जैसे इसमें दे रखा है, यहाँ भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स कुछ हैं लेकिन जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं। तो इजी है डायगनल मैट्रिक्स भी समझना। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है? अ डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगनल होनी जरूरी है, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में होता यह है कि डायगनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होंगे। जैसे यहाँ रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री दिया है, यहाँ टू 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 भी हो सकता था लेकिन और सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो यही हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ गया होगा? आपको इनके नोट्स बनाने हैं, एक एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है? कि सारे के सारे जो हमारे डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ वन 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 होंगे, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगनल्स ऑल आर वन एंड रेस्ट ऑल आर जीरो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके चैप्टर के लिए, तो अच्छे से इसे समझ लो। वैसे बहुत ईजी है समझना, हमारी एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स ही है जिसमें कि वैल्यू डायगनल की क्या है, वो वन है, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। समझ में आया ये चीज? अब हम क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होने वाली है, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगी। बेसिकली ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको बता देता हूँ। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। जो यहाँ ए आई जे लिखा हुआ है ना, ए आई जे बेसिकली होता क्या, ये पहली वाली रो होती है, ये दूसरा कॉलम होता है, ठीक है। आपके लिए बता दूं मैं, ये वैसे आगे डिस्कस करेंगे, तो हम एग्जांपल नंबर 4 से देखेंगे इसे। हमें क्या दे रखा है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स वाई जेड। बेसिकली होता ये है कि जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसका हर एक एलिमेंट इक्वल होता है। जैसे कि x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो पहला एलिमेंट है ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, यानी x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस थ्री, ठीक है। इसी तरीके से आप ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हर एक एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल करना है और कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन है, वो सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें मैट्रिक्स में ही, यहाँ बेसिकली खाली पेज इधर है। तो मैट्रिक्स का कैसे, मान लो कि मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिखी, मैंने लिखा ऐसे 2, 2 और 1, ठीक है। तो इसका जो ऐसे मैट्रिक्स लिखी और ऑर्डर क्या हो गया, 2x2 का हो गया, तो इसके जो एलिमेंट है पहले वाला कैसे लिखूंगा इसे मैं, a11, वो क्या हो गया, a112 हो गया, a112। इसी तरीके से a12 पहली रो का पहला एलिमेंट a11, फिर a12 क्या होगा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट a12 यानी 2, ठीक है। इसी तरीके से इसे कैसे लिखेंगे, मैं फिर से बना देता हूँ। a हमने माना था 2, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं जा रहा, रुकिए, a=2, 1, 4, 5, कोई भी मैट्रिक्स ले लो ना, ठीक है। और ये सेम है, पहले वाले तो बता दिया मैंने a11 होगा, ये a12 होगा। अब जो नेक्स्ट है, मान लो ये 2 है, ठीक है, तो हमारा जो a21 क्या होगा, ये a21 कैसे बोलेंगे कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, जो ए आई जे लिख, जो मैंने बोला था ना इसमें, जो ए आई जे, एक मिनट रुकिए, कहाँ लिखा था वो, हाँ जो ये था, जो ए आई जे है ये, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये ए आई जे। बेसिकली पहले हम रो से स्टार्ट करते हैं, फिर पहले पूरी रो को ख़त्म करते चलते हैं, फिर ऐसे ही दूसरी रो में आते हैं,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को भी तुरंत लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जो ट्वेल्थ में आए हैं, जो बेसिकली अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। तो शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।